वो बोल दो मुझे जी। ठीक है, अभी ये बोल दिया, बोल में से आपने दूध ऐसे डाला, कैमरा किधर है, वहां पे है, यहां से ऐसे डालोगे तो दूध ऐसे दिखेगा। ओके गुड। के दिल में जो राज करते हैं खाना बना के, एंड क्या ही बोलूं अभी, मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ आपको, देख देख के इतने लोगों ने सीखा हुआ है, हमने तो बहुत सारा बातचीत किया हुआ है। अब थोड़ा सा आप उड़ीसा में आए हुए हो, आपके लिए मैं कुछ उड़ीसा का जो हमारा स्पेशलिटी है, जब हमारे घर में कोई आता है हम मीठे से शुरू करते हैं, तो आपके लिए मैं आज खीर सागर बनाऊंगी। थैंक यू स्मृति श्री सिंह, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं थोड़ा सा नहीं उड़ीसा आया हूँ, पूरा उड़ीसा आया हूँ। बट अच्छी बात है, कोई घर पे आता है तो मुंह मीठा करवाना ही चाहिए। तो मैं शुरू करती हूँ। बिल्कुल। तो पहले मैं दूध चढ़ा देती हूँ हमारा, इसको प्लेन दूध में ही हम लोग रबड़ी बनाएंगे। अच्छा स्मृतिश्री, अभी एक चीज बता देता हूँ जी। तो आपने अभी ये क्या किया वो बोल दो मुझे जी। ठीक है, अभी ये बोल दिया, बोल में से आपने दूध ऐसे डाला, कैमरा किधर है, वहां पे है, यहाँ से ऐसे डालोगे तो दूध ऐसे दिखेगा। ओके गुड। मुझे तो लगा था मुझे आज खाने के टिप्स मिलेंगे, यहाँ पे तो मतलब और भी अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने का मुझे टिप्स मिल रहा है, वेरी हैप्पी। तो इसको मैं डाल दी है, उसके बीच में हमारा जो रसगुल्ला है, जिसके लिए एक्चुअली हमारा जो छेना बनता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको मलना, तो आई विल स्टार्ट मेकिंग इट। और अगर हो जाए मैं हूँ यहाँ पे, डोंट वरी बाहर आने दूंगा उसको। सो जो रसगुल्ला है, ये बहुत लड़ाई हुई ना इसमें कि बंगाल का है, उड़ीसा का है, जीआई टैग हो गया हमारा, हो गया ना अभी तो, बस ये जीआई टैग ने बिल्कुल सारी लड़ाई ठीक कर दी है। ये हमारा 1 कप चीनी है, राइट, फिर से करेक्ट। जब ऐसे बहुत सारे कैमराज हो तो थोड़ा सा रोको उसको, लंबी सांस लो, ताकि वो अगर इधर है तो यहाँ तक आने उसको टाइम लगेगा, फोकस करने में टाइम लगेगा, जल्दबाजी मत करो। ओके जैसे कि हम लोग का चीनी मैंने बोला और आपने जैसे बोला कैमरा को दिखा के, करेक्ट, आई एम पुटिंग 4 कप्स ऑफ वाटर, जितना चीनी लेते हैं हम लोग उतना 4 कप पानी लिया हुआ है। कैसे प्लान आउट किए थे, मतलब आप तो शेफ बनेंगे बट देन आपने टीवी में आए, आपका एक बहुत ही बड़ा शो हुआ, फिर आप बहुत सारे ब्रांड्स के इतने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने, आपका अपना प्रोडक्ट लाइन हुआ, तो वो एक बहुत ही लंबा सफ़र था, बट आप उसको इतना इजी दिखाते हो, तो वो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सो कोई भी जो चीज़ है उसमें अगर आप दिल से करेंगे, मेहनत के साथ करेंगे, देन मुश्किल नहीं होती है, बट एज आई सेड 1 day at a time एंड दैट्स इट। तो मैं अभी ये छेने का जो हमारा बॉल है वो बना रही हूँ, क्योंकि हमारा चीनी भी ये हो गया। आप तो एक प्रोफेशनल शेफ थे, बट आपका टीवी का मतलब सफ़र कैसे शुरू हुआ, वो मुझे जानना था। ऐसे ही नया टीवी चैनल शुरू हो रहा था, केबल एंड सैटेलाइट टीवी पहली बार शुरू हो रहा था, तो मेरे पास आए कि आप एक एपिसोड करना है, शो का नाम रखा उन्होंने श्रीमान बाबरची। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नाम नहीं पसंद। तो फिर मैंने खाना खजाना नाम दिया उस समय, और काफ़ी सारे शुरू में 8-10 शेफ्स ने शो किया, पर जब मेरा वाला एपिसोड आया वो लोगों को ज़्यादा पसंद आया, तो उसके बाद तो नॉन स्टॉप 19 years आई डिड दैट, 19 साल। तो हमारे ये दूध जैसे खोल रहा है, इसमें थोड़ा सा फ्रेग्रेंस के लिए मैं ये रुचि का एक हमारा कार्डमम है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स फ्रेग्रेंस में अगर बोला जाए तो कार्डमम इज द रानी बोला जाता है, एंड थोड़ा सा शुगर डालूंगी मैं। ये है रुचि खंड शुगर, नेचुरली ग्रैनुलेटेड शुगर जिसमें विटामिन और फाइबर्स बहुत सारे हैं, इसीलिए कहते हैं रुचि फूड लाइन, कर लो दोस्ती सेहत से। तो हमारे ये जो ये बहुत ज़्यादा बॉयल हो रहा है उसमें मैं थोड़ा सा, उसमें भी थोड़ा सा कार्डमम डालूंगी, दैट वो फ्लेवर रहता है, थोड़ा सा ही बस, एंड ये हम इसमें डाल देंगे। वेरी गुड। तो ये जैसे हमारा बॉयल हो जाएगा 15 मिनट्स में, इसको हम इसमें डाल देंगे। राइट, ये है अपने पास, ये अपने आप बॉयल होता रहेगा। करेक्ट। मैंने ना बचपन में आपके बहुत सारे बुक्स देखे हैं। अच्छा, तो ये कुकिंग बुक जो है ये बहुत हेल्पफुल है, वो कैसे आपने सोचा कि
शो तो हो गया, अभी बुक्स कैसे? नहीं, सोचा नहीं था मैंने, पर जहाँ भी कहीं जाता था तो लोग पूछते थे कि आपकी कुकिंग बुक्स हैं। मैं सोचता था कि टीवी का शो है, कुकिंग बुक्स क्यों लोग मांगते हैं। फिर मुझे पता चला उस समय तरला दलाल जी की बहुत बुक्स बिकती थी, बहुत ज़्यादा, तो मुझे उनके पता चला कि उनको एक साल में रॉयल्टी कितनी मिली है, तो मैंने फटाफट बुक लिखनी शुरू कर दी। सही, बहुत अच्छा लग रहा है ये दूध। हम लोग रसगुल्ला कैसे हो गया है जानेंगे जब ये अपना फ्लोट होना शुरू हो। परफेक्ट। तो इसमें से आप अगर चेक करना चाहते हैं कितना सॉफ्ट है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, सी सो इसको मैं अभी इसमें सोक कर दूंगी। तो इस ये होता है एक्चुअली खीर सागर, मीन्स सागर मीन्स ओशन। बिल्कुल। और ये दूध के ओशन में ऑयल जैसे डल रहा है, सो दैट इज व्हाई द नेम इज खीर सागर। तो इसके अंदर ये थोड़ी देर के लिए सोक होंगे, और जब तक सोक हो रहा है आप लोग देख लीजिए इसका एक सुंदर सा रिकैप। खीर सागर तैयारी करबा पई सर्वप्रथमे गोटिए पैन रे खीर को गरम हेबा पई रखि दियंतु। गोटिए प्लेट रे छेना को भलो भाबे दळी दियंतु। अन्य गोटिए पैन रे गोटिए बाउल चीनी तारिक पानी भलो भाबे मिसाई गरम करंतु। वर्तमान दळी थिबा छेनार बॉल्स तैयारी करंतु एवं खीर रे गुजराती गुंड एवं प्राय 2 चम्मच चीनी मिसाई दियंतु। एबे प्रस्तुत होइथिबा सिरा रे अल्प गुजराती गुंड मिसांतु एवं छेना बॉल्स गुडी को सेथिरे पकाई 15 मिनिट पई सिझिबा को दियंतु। प्रस्तुत रसगुल्ला को तैयारी होइथिबा राबिडी रे मिसाई दियंतु एवं सुस्वाद खीर सागर को सर्व करंतु। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपके लिए कुछ मीठा बनाऊंगी। लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, नाइस। ऐसा लग रहा है कि उड़ीसा ज्यादा आना चाहिए। प्लीज, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, अच्छी बात है कि मीठा बहुत ज्यादा नहीं है, ये तो एकदम प्रोटीन बॉल्स हैं अगर आज के। क्या नाम था? खीर सागर। खीर सागर, नया नाम मिल गया हमें एक्चुअली। अब इसे खीर सागर को अगर मुझे ट्रांसलेट करना है, सो इट विल बी प्रोटीन, प्रोटीन बॉल्स इन स्वीटेंड मिल्क। स्वीटेंड मिल्क, वाओ, विद लिटल ऑफ कार्डमम।